ये राजमा है, ये देखिए भाई, ये जम्मू के राजमा, जम्मू के राजमा चले भाई। ये देखो आप सब, ये भी दिखा दो हमें, ये है क्या ये? तो जी इस टाइम हम जम्मू में पहुंच चुके हैं, गांधीनगर में चरणदास जी के यहाँ। मतलब इनका भैया सबसे पहले तो ये बताओ चरणदास जी कौन थे? नमस्ते सर, आपका नमस्कार जी, बहुत आप दूर से आए हो, थैंक यू सर। चरणदास जी मेरे नाना जी थे। नाना जी थे तो उन्होंने शुरू किया था ये स्टोर? शुरू उन्होंने किया था। अच्छा, तो फिर मैं पढ़ता था तो उनके साथ हेल्प करवा दी, जैसे पैकिंग कर दी, हाँ जी हाँ जी, कोई मटेरियल वो डाल दी। फिर आस्ता आस्ता जैसे जैसे वो फिर बूढ़े हो गए, फिर एक्सपायर हो गए, उसके बाद फिर 2010 में एक्सपायर हो गए, उसके बाद फिर मैंने ये संभाल लिया। आपने संभाल लिया, छोटा सा स्टॉल है, राइमर चले चावल और सूखे चने होते हैं, ग्रेवी वाले चने होते हैं, और जो है वो पनीर है, स्पेशल स्पेशल पनीर है, पनीर है, क्योंकि इतना बड़ा पनीर कोई नहीं देता है, इसी इतना बड़ा आप देते हो, क्या बात है। तो ये अच्छा, बताओ जी ये क्या चीज़ है? ये हो गए चने, सूखे चने, ये सूखे चने हैं, ये भी लोग मांगते हैं, ग्रेवी इसकी ग्रेवी में डालते हैं, ग्रेवी अलग बनाई और सूखे चने। भाई ये देख लो मसाला वगैरह मिला हुआ है इनमें पहले से, ये देखिए आप चेक करो, ये इसमें डालते हैं ग्रेवी में सूखे चने। ये आगे शानदार ग्रेवी में। अच्छा और क्या है अपने पास? और एक दूसरे ग्रेवी वाले चने, ग्रेवी वाले चने भाई ये देखो आप सब, ये भी दिखा दो हमें, ये है क्या? ये ग्रेवी होगी चने की, हाँ जी, इसमें कुलचे डिप किए हैं, चने की ग्रेवी है उसमें कुलचे डिप कर रखे हैं, तो ये वही अपने बन टाइप के जो होते हैं। हाँ। ये आगे जी ग्रेवी वाले चने। अरे भाई साहब क्या बात है, ये जा रहे हैं परात में जाएंगे, बहुत शानदार। भैया टाइमिंग क्या रहते हैं अपने? सुबह 10 बजे से लेके 3 बजे तक, 10 बजे से लेके 3 बजे तक। क्या भाई यहाँ पे आप देखेंगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़े बड़े बर्तनों में जो है ना छोले वोले रखे हुए हैं बढ़िया से, और साथ में इनके पास ना राजमा भी मिलते हैं। सबसे पहले अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये क्या चीज है? ये राजमा है, ये देखिए भाई, ये जम्मू के राजमा, जम्मू के राजमा, जम्मू का राजमा में कुछ अलग होता है, भदरवा वाला राजमा बोलते हैं जो, मड़वा हो गया। अच्छा तो ये छोटा साइज का होता है थोड़ा? हाँ ये थोड़ा उसी टाइप का है, हाँ जी भदरवा टाइप का ही है, भदरवा टाइप का ही, इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है, जैसे अपने दिल्ली साइड में बड़े बड़े राजमा होते हैं काफी, हमारे ये पहाड़ी इलाके से आते हैं ये। अच्छा तो इसमें राजमा में जो ग्रेवी बनाते हो ये टमाटर की होती है? नहीं 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 होती, खाली सिंपल तड़का लगाया था राजमे का, बस और कुछ बस, टमाटर तो ग्रेवी कैसे बन जाती है? ये ग्रेवी इसको घोट घोट के कम से कम 5 घंटे इसको, पाँच घंटे इसको उबालना पड़ता है, तभी जाके इसको, तब जाके इसका मामला फ्लेवर आता है। ये देखिए भाई 5 घंटे इसको उबालना पड़ता है, तब जाके फ्लेवर बन पाता है, क्या बात है, बहुत शानदार। मतलब सुबह 4 बजे लगते हैं तो यहाँ पे राजमा बन चलते हैं, राजमा बंद भी हो जाते हैं, चने बंद भी हो दोनों जाते हो जाते हैं। हाँ। अच्छा राजमा के साथ भी चलता है, एक बार चने दिखा दो जी जरा, ये देखिए जी, सिर्फ और सिर्फ मसाला रहता है इनमें, इसमें भी कोई टमाटर प्याज का काम नहीं है, उबले हुए हैं और बाकी ये चने की तरी है भाई, खुशबू है ना जो बहुत बढ़िया आ रही है। और ये है पनीर के पीसेस, आओ जी पनीर के पीसेस देख लेते हैं, ये देखो भाई ये क्या बात है, कितने ग्राम का होता है एक पीस ये? सर ऐसी जहाँ जहाँ छुरी काट जाए, ये देखो भाई बड़े बड़े पीस, बड़े बड़े पीस है, मेरे को लग रहा है 100-150 ग्राम का एक पीस होगा। फ्राई करके देते हो? फ्राई करते भाई, चेक करो ये 5 से चेक करो आप, बहुत शानदार, ये इसमें डाल दिए जाएंगे आप। तो ये राजमा के साथ भी मिलता है और छोलों के साथ, चने के साथ। इसके कितने रुपए एक्स्ट्रा लेते हो आप? ये पनीर डाल के 70 रुपीज है, और पनीर नहीं डालोगे तो 40 रुपीज, मतलब 30 रुपए का पीस है पनीर, ऐसे पनीर जो है प्लेट के साथ 30 का ही पड़ता है, अगर कोई एक्स्ट्रा मांगे तो फिर 50 रुपए का, उसमें चने राजमा डाल के देते हैं। ये डबल होता है? नहीं इसके 2 पीस किए हैं ताकि वो डिक हो जाए अच्छी तरह। अच्छा पनीर डालना, ये पनीर का पीस आ गया जी, पनीर का पीस, ये आ गया चने, ये आ गए जी चने राजमा, स्पाइसी मिर्ची, ये आगे स्पाइसी तड़का, ये क्या चीज़ है? रोगन हाँ। तो इसमें कुछ डाला भी हुआ है आपने? प्याज अदरक लहसुन इसमें रहता है? ग्रेवी
ये अलग से बनाई होती है, ये अलग से बनाई होती है, फ्लेवर आ जाता है सारा। अच्छा, ये किसी को डलवाना हो तो डलवा लेते हैं, क्योंकि तीखा होता है। और ये क्या है? ये नारदाने की चटनी। जी भाई, ये तो जम्मू की जान है, मतलब हर जगह ही मिलती है अनारदाने की चटनी। तो इस चटनी में और भी कुछ रहता है अनारदाने के अलावा? पुदीना, हरी मिर्च और प्याज। अच्छा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। राजमा कुलचा लगाइए जी। तो भाई देख लो, ये तो चने हो गए। हाँ, एक्स्ट्रा मांगता है कोई तो दे देते हो। हाँ जी, ये आ गया जी राजमा कुलचा, आप देखिए जी, ये आ गया कुलचा। पनीर डालना, ये आ गया जी, एक ही कुलचा है उसका। हाँ, हाफ किया हुआ उसके है। दो पीस की है, दो पीस। ये पनीर का पीस आ गया, ये आ गया जी पनीर का पीस। और ये आ गया, इसकी कितनी कॉस्ट है? 70। 70 पनीर वाली 70। बहुत शानदार। और मिर्ची, ये देखो भाई, ये स्पाइसी चटनी इनकी। और ये आ गया ये अनारदाने की चटनी, ये होगी जी 70 रुपए की प्लेट तैयार। एक बंदे का पेट तो इसमें आराम से भर जाता होगा। क्या सर, फुल मील है? बहुत बहुत। वो कई आते हैं, जैसे आपके आते तो जो खाते जाता है वो बोलता है, बाकी किसी ने वीडियो बना के। अच्छा अच्छा, क्या बात है, बहुत शानदार। तो भाई सबसे पहले ना, यहाँ बहुत बातें हो गई, अब भैया आप खिलाओगे क्या, ये बताओ। चावल और कुलचा मिक्स कराते हैं, कॉम्बो कॉम्बो का बना देते हैं। चलो जी कॉम्बो बनवा लेते हैं। ये राइस कौन से होते हैं? ये नवे शहर के, हमारे इधर है ना आरसपुरा। हाँ जी, उधर के राइस होते हैं, ये बासमती। अच्छा बासमती। ये आ गया, ये आ गया कुलचा, कुलचा आ गया भाई। ठीक है, और ये आ गया आपका पनीर का पीस। वाह भाई वाह, ये पनीर का पीस इतना बड़ा है ना। और ये एक साइड आपके राजमा। हाँ जी, एक साइड आ गया आपके चने। चने आ गए, ठीक है। और थोड़ी सी हल्की सी स्पाइसी स्पाइसी चटनी, और थोड़ा सा अनारदाने की चटनी। क्या बात है, ये आ गई जी। कितने रुपए की प्लेट है ये भैया? ये भी 70 रुपीज। ये आ गई जी प्याज, 70 ही है। पनीर डाल के बता रहे हो ना, इतना कम दामों में कैसे खिला ये? चलो देखो, यही चीज अगर हमारे दिल्ली में होती तो 100-150 से कम की नहीं। दस रुपए में 50 पैसे भी मिल जाए, वो होता है। ज्यादा कमाई नहीं रहेगी। चलो जी, बहुत बढ़िया भाई। 70 रुपए की ना फुल प्लेट है। आप प्लेट चेक करोगे ना, आपका पेट पूरा फुल हो जाने वाला है। और सबसे मजे की बात, जम्मू में इससे बड़ा पनीर का पीस भाई कोई नहीं देता। ये देखिए, जम्मू में ना जनरली मैंने देखा पनीर डाला जाता है राजमा में, छोले में, बन में, तो ये पनीर का पीस भी मिलता है। और इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। और पूरी फुल प्लेट भर के, जैसे हमने कॉम्बो लगवाया, इधर तो हमारा कुलचा है, ये देखिए कुलचे की एक बाइट लेंगे सबसे पहले। हाय हाय हाय, जबरदस्त है। क्योंकि ये ना डिप करके रखते हैं ग्रेवी में, उससे ना फ्लेवर जो है पूरे कुलचे में भर चुका है। साथ में ये आ चुके हैं भाई राजमा चावल। अलग ही स्वाद है, अलग ही मजा है। जम्मू आ रहे हो कभी भी गांधीनगर में, इन भैया के पास जरूर आ जाना। और चंद्रदास इनकी शॉप का नाम है। 2-3 आइटम रखते हैं, 3-4 आइटम काफ़ी बढ़िया है, मज़ेदार है। मिलते हैं अगली वीडियो में। डेट टेक केयर, गुड बाय।